गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज वैशाली मित्तल। सो गाइस, हम PT365 अपनी आर्ट एंड कल्चर की मैगजीन कर रहे थे, तो ये मुझे लग रहा है कल नहीं तो परसों में तो ये पक्का कंप्लीट हो ही जाएगी। ठीक है, तो आज 23 जुलाई है ना, तो 25 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम अपनी इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना टॉपिक गुरु नानक। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 50th जो बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक जी की, उनको सेलिब्रेट किया गया है। गुरु नानक जी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ये सिखिज़म के फाउंडर हैं और ये सिखिज़म के फर्स्ट गुरु भी हैं। ये 1469 में पैदा हुए थे तालवंडी में, नानकन साहिब में, जो कि लाहौर के पास है। 1499 में कहा जाता है इनको एनलाइटमेंट मिल गया था और उन्होंने खुद को डेडिकेट कर दिया था ह्यूमैनिटी के सर्विस में। इन्होंने काफ़ी प्रीचिंग टूर्स भी लगाए, मतलब कि अपने मैसेज को फैलाने के लिए इन्होंने हर जगह अलग अलग जगह गए, लोगों को उदासी सुनाई। इन्होंने 1500 से लेकर 1524 एडी में 24 सालों में इन्होंने ना ही सिर्फ केवल इंडिया के फोर्स प्लेसेस कवर किए, बल्कि ये मक्का, श्रीलंका, नेपाल एक्सेट्रा और जगह भी गए जहाँ पर क्या करें, ये मतलब कि प्रीचिंग, अपने टीचिंग्स को दे सके, लोगों तक पहुँचा सके। ठीक है, कुछ साल बाद गुरु नानक जी ने सेटल किए करतारपुर में, एक टाउनशिप रावी रिवर के किनारे। रिसेंटली आपको पता है करतारपुर कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया, जो कि डेरा बाबा नानक साहिब गुरुद्वारा, जो कि इंडिया के स्टेट पंजाब में है और कनेक्ट कर रहा है गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को, जो कि पाकिस्तान के नरोवल डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब प्रोविंस में। ये रावी रिवर के किनारे है जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है। ये महाराजा पटियाला के द्वारा बनाया गया था 1921 से 1921 के बीच में। गुरु नानक जी 70 साल के थे जब उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने, इनके बाद जो इनको सक्सीड किया, उनको भाई लेना ने सक्सीड किया, जिसे हम गुरु अंगद जी भी बोलते हैं। गुरु अंगद ने क्या किया, गुरु नानक की जो भी कंपोजिशन थी उसे कंपाइल किया और उन्होंने एक अपनी ओन नई न्यू स्क्रिप्ट बनाई, जिसे गुरुमुखी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो भी कंपोजिशन है गुरु नानक की और अदर सिख गुरुज़ की और जो अदर लोग हैं राइटिंग्स उनकी, जैसे शेख फरियाद, संत कबीर, भगत नामदेव, उन सब को, जो गुरु ग्रंथ साहिब में कितनी इनकी राइटिंग्स हैं, गुरु नानक की कंपोजिशन है और सिख गुरुज़ की हैं, इवन और भी जो लोग हैं जैसे शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, इन लोगों को क्या है, इनकी कहानियां इसमें कंपोजिशन की गई हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। जो मोस्ट ऑफ द बायोग्राफिकल अकाउंट्स हैं जो नानक की लाइफ में, वो मेनली जन्म शाकी से आते हैं, लिटरली मेनली बर्थ स्टोरीज़ हैं। जो ये राइटिंग्स हैं विच प्रोफेस टू बी बायोग्राफीज ऑफ गुरु नानक रिटन एट द वेरियस स्टेजेस आफ्टर हिज डेथ। अब टीचिंग्स क्या है, मतलब कि जो गुरु नानक ने जो टीचिंग दी थी वो क्या है, उनके अकॉर्डिंग जो है गॉड फॉर्मलेस है, उनका कोई रूप नहीं है और भगवान एक है, वन गॉड की बात करते हैं, एक ओंकार, ठीक है, निरंकार हैं, ठीक है, उनकी कोई शेप साइज नहीं है, ठीक है, जो कि है जो हर ह्यूमन बींग में बसते हैं, हर एक मनुष्य में बसते हैं। और ये बोला है कि हम अपने भगवान से डायरेक्ट मिल सकते हैं बिना किसी रिचुअल से या बिना किसी पंडित वगैरह के हेल्प से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक यूनिक स्पिरिचुअल, सोशल एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सेटअप किया इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बेस पे। गुरु नानक ने जो हिंदू सिस्टम, हिंदू कास्ट सिस्टम है, जैसे हायरार्की है कि हाँ यार ये लोअर कास्ट का, ये अपर कास्ट है, उस पर भी अपोज किया था और इवन जो मुगल रूलर्स के थियोक्रेसी है उनको भी कंडेम किया था। इनका जो आइडिया था लिब्रेशन का, ठीक है, एंड परस्यूट द एक्टिव लाइफ, ये एक सोशल कमिटमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंस था। इन्होंने क्या किया था, इनके जो फॉलोअर्स थे या जो इकट्ठे ये लोग एक ही लंगर, एक ही किचन में खाना खाते थे, इरिस्पेक्टिव उनकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या, क्रीड क्या है, ठीक है, तो ये उसी के हिसाब से क्या है, एक ही किचन में इकट्ठे बैठ के ये लोग लंगर करते थे, ठीक है। गुरु नानक ने सिखिज़म को 3 पिलर्स पे खड़ा किया, जैसे नाम जपना, भगवान का नाम जपो, चैंटिंग करो, सिंगिंग करो, कॉन्टास्ट करो, कीरत करने में यह कि जो भी अपना कमाओ वो ऑनेस्टली कमाओ, ठीक है, फिजिकल और मेंटल एफर्ट से कमाओ, ठीक है, एक्सेप्ट करो जो भी आपके पेन्स और प्लेयर्स हैं ना, वो गॉड के क्या है, गिफ्ट हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। वंद चखना यही है कि जो भी आपकी वेल्थ है उसको लोगों के साथ क्या करो, शेयर करो, ठीक है, शेयर एंड कंज्यूम जो कहते हैं, तो तभी ये लोग इतना लंगर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान, कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि जो टीपू सुल्तान के लेसन है टेक्स्ट बुक में से हिस्ट्री की, उसको हटा दिया जाए और साथ में जो टीपू जयंती की सेलिब्रेशंस होती हैं उसको भी क्या करना है, उसको भी अब नहीं रखा जाएगा। ऐसा क्यों, पहले हम थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। टीपू सुल्तान क्या थे, रूलर थे मैसूर के, जो कि अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद क्या करते, 17 साल उन्होंने रूल किया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली मर गए थे, तो उसके बाद से टीपू सुल्तान ने थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को बढ़ाया था। टीपू सुल्तान को फियरलेस टाइगर ऑफ मैसूर भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी मिलिट्री में स्ट्रेटजीज़ थी, ठीक है, जो उन्होंने 17 साल में छोटे से रूल एरिया, रूल पीरियड में काफ़ी इन्होंने क्या किया, यूज़ किया था, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत अच्छा चैलेंज भी दिया। लेकिन जब इंग्लिश को निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा ने हेल्प की,
तो टीपू सुल्तान को फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में हरा दिया गया था 4 मई 1799 में। आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी, ठीक है ना, तो उसमें आपने एंग्लो मैसूर वार भी पढ़ा होगा, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो सिख वार सब पढ़ा होगा, तो यूसी में ही सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। जब टीपू मर गए थे तो वेलेस्ली ने उन पर इम्पोज कर दिया था सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, जिसके बाद जो मैसूर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक स्टेट बन गया था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस तो आपको बना होगा, पता होगा, ठीक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की क्या अचीवमेंट थी, इन्होंने बहुत अच्छी नेवी बिल्ड की गई थी जिससे क्या है ट्रेड बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते थे, और उन्होंने स्टेट कमर्शियल कॉरपोरेशन में भी क्या अपनी फैक्ट्रीज काफ़ी सेटअप की थी। एग्रीकल्चर को इन्होंने काफ़ी मॉडर्नाइज़ किया था, इन्होंने जो भी वेस्ट लैंड थे उनको डेवलप किया था, इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, ओल्ड डैम्स को रिपेयर किया था, और एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग और सेरीकल्चर को भी क्या प्रमोट किया था, मतलब सिल्क डिप्लोमेसी, मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप किए हुए थे, जैसे फ्रेंच के साथ, अफगानिस्तान के साथ या टर्की के सुल्तान के साथ, जो इन्हें असिस्ट करते थे कि कैसे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े। मोर ओवर इन्होंने जैकोबिन क्लब ऑफ मैसूर को भी सेटअप किया था जो एक तरह के सर्व करता था फ्रेंच के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इन्होंने एक लिबर्टी ट्री श्रीरंगपट्टनम में प्लांट किया था जो डिक्लेयर करता था उन्हें सिटीजन टीपू, जस्टिस देयर एविडेंस टीपू प्रोसिक्यूट करता था हिंदूज और क्रिश्चियंस को, और ये भी एविडेंस देखने को मिला है कि हिंदू जो टीपू था वो हिंदू टेम्पल्स और प्रीस्ट को भी क्या करता था पेट्रोनाइज करता था, और उन्हें भी गिफ्ट्स और ग्रांट्स देता था, ठीक है, मतलब कि वो एंटी नहीं था। लेकिन अभी ये है कि कोई लोग क्या है कि टीपू सुल्तान को एक टायरेंट भी बोलते हैं, ऐसा क्यों है, उनकी इमेज टायरेंट क्यों है, क्योंकि कुछ ब्रिटिश अकाउंट्स हैं जैसे ब्रिटिश ऑथर्स जैसे जेम्स किर्कपैट्रिक और मार्क मिल्स, उन्होंने प्रेजेंट किया है उनके कि टीपू सुल्तान की इमेज के टायरेंट थे। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं जैसे इरफान हबीब और मोहिबुल हसन, वो क्या करते हैं टीपू सुल्तान को फेवर करते हैं और ये बोलते हैं कि जब एंग्लो मैसूर वार हुआ था तो ये लोग उस वक्त क्या थे प्रेजेंट थे, तो जिस वजह से क्या कर रहे हैं ये जानबूझ के जो टीपू सुल्तान की इमेज है उसको टायरेंट की तरह शो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ जो टीपू सुल्तान को उनकी टेरिटोरियल एम्बिशंस और रिलीजियस पॉलिसी के लिए कहा जा रहा है, बोलते हैं जो टीपू की क्या एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर मेरे कब्जे में आए, मेरे रूल में आए, जैसे इन्होंने रेड किया कोदागू मंगलारू कोचू, इसको रेड किया था, इस वजह से इनको टायरेंट की नज़र से देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि इन्होंने काफ़ी टाउन्स काफ़ी विलेजेस को क्या करा है, मतलब कि जला दिया है, इवन कि टेम्पल्स और चर्चेस को भी इन्होंने अटैक किया है और मतलब कि फोर्सिबली हिंदूज को क्या किया कन्वर्ट किया था। तो ये कुछ इनकी टायरेंट की इमेज है जिस वजह से भी कर्नाटका क्या कह रही है कि इनके चैप्टर को रिमूव कर देना चाहिए हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक से, और जो भी पब्लिक सेलिब्रेशन होती हैं टीपू सुल्तान के लिए उसको भी क्या करना चाहिए अब मना कर देना चाहिए, वो नहीं रखी जाया करेंगी। आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह रिसेंटली क्या हुआ है, महाराजा रणजीत सिंह का जो स्टैचू है उसे उनकी 80th डेथ एनिवर्सरी पे रिवील किया गया कहाँ पे, लाहौर फोर्ट पाकिस्तान में। महाराजा रणजीत सिंह थे कौन थे, आपको पता होगा अगर आपने एंग्लो सिख वार के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, इसको आपको पता चल जाएगा। देखो आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आपको स्टैटिक न्यूज़ साथ में बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। देखो जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो तो दो लाइनों में ख़त्म हो जाते हैं, जैसे ये इसमें न्यूज़ में ख़त्म, लेकिन आपको स्टैटिक पोर्शन में चलना है क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे ही पूछता है, ठीक है। करंट अफेयर्स बोलते हैं 60% करंट अफेयर्स बोल की में आता है, लेकिन साथ में क्या है स्टैटिक पोर्शन भी वो बहुत साथ में कवर करता है, ठीक है। तो आपको स्टैटिक पोर्शन की अगर न्यूज़ नहीं आएगी, स्टैटिक पोर्शन आपका अच्छा नहीं होगा तो आप करंट अफेयर्स भी कुछ नहीं कर पाओगे, अगर करंट अफेयर्स अच्छा है तो स्टैटिक पोर्शन वीक है तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, ये सिख लीडर के थे जिन्होंने पंजाब में रूल किया था 19th सेंचुरी में। पंजाब जब 1700 में रूल किया जा रहा था पावरफुल चीफ्टियंस के द्वारा, जिन्होंने क्या करा था टेरिटरी को डिवाइड करा हुआ था मिसिस में, रणजीत सिंह ने उसी मिसिस को क्या किया ओवरथ्रो किया और सिख एम्पायर को क्या किया यूनिफाई किया, आफ्टर जब इन्होंने लाहौर को कॉन्कर किया 1799 में। जो रणजीत सिंह थे वो शुक्राचार्य मिसाइल से बिलोंग करते थे, 12 तरह की मिसाइल्स होती थी, अलग अलग मिसाइल होती थी, जो रणजीत सिंह थे वो शुक्राचार्य मिसाइल थे। इन्होंने मतलब कि जो अभी का एरिया चाइना और अफगानिस्तान का है, कुछ वहाँ के कुछ बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह ने रूल भी किया है, उस रूल को ये बोलते थे सर का आई खालसा, इन्हें लॉयन ऑफ पंजाब भी बोलते थे, बिकॉज इनका जो
जिस तरह से जब अफगानों ने लाहौर में इन्वेड किया था तब उनकी क्या पॉलिसी थी ना, इस वजह से इन्हें लॉयन ऑफ पंजाब बोलते थे। इनका स्टेट का बहुत सेकुलर करेक्टर था, मतलब कि जो सिख एम्पायर के अंदर जो भी इनके डिफरेंट रिलीजन से भी लोग क्या करते थे आर्मी में, मतलब कि वहाँ पर कमांडिंग पोजिशन लेते थे। इन्होंने आर्मी को काफ़ी मॉडर्नाइज़ किया, इन्होंने यूरोपियन ऑफिशियल्स को सर्विसेज में रखा ताकि वो क्या कर सकें, अपनी इन्फेंट्री और अपनी आर्टिलरी को ट्रेन कर सकें। इन्होंने जो फ्रेंच के जनरल थे जीन फ्रैंक ओलार्ड, उनको अपॉइंट किया ताकि वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ कर सकें। सिख खालसा आर्मी को इन्होंने फॉर्म किया ताकि वो ये प्रिवेंट कर सके जो पंजाब को जो ब्रिटिश हैं वो उस पर कॉलोनाइज़ ना कर सकें। ठीक है, सोशल एंड कल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन यही रहा, आपको पता ही है जो गोल्डन हमारा टेम्पल है वो गोल्ड और मार्बल वर्क से काफ़ी अच्छे से बनाया गया अमृतसर में, वो इन्हीं के अंडर हुआ था। ठीक है, इन्हें क्रेडिट दिया जाता है हजूर साहिब गुरुद्वारा का फंड करने के लिए भी, जो नांदेड़ महाराष्ट्र में है। अगर आपने भी देखा होगा नांदेड़ महाराष्ट्र में कितने अभी कोरोना के केसेस आए थे, ठीक है, तो ये भी इन्हीं के फंड, इन्हीं के अंडर ये बनाया गया था हजूर साहिब गुरुद्वारा, जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र में है। इनके पास कुछ क्वाइंस हैं जिसमें सिख के गुरुज के नेम लिखे हुए थे। ठीक है, जो कोहिनूर डायमंड आज क्वीन इंग्लैंड की क्वीन के पास है वो पहले रंजीत सिंह के ट्रेजर का पार्ट होता था। ठीक है गाइस, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809 में, ये किस किस के बीच में हुई थी, महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी 1809 में, जिसमें क्या था, एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और लाहौर के स्टेट में। इन्होंने क्या किया था, जो सतलुज रिवर है उसको एक बाउंड्री बता दिया था कि यार ये आप लोगों की ईस्टर्न बाउंड्री है। तो इस वजह से रंजीत सिंह का जो ड्रीम था कि हाँ मैं अपना सिख सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करूँगा वो उनका रह गया था, क्योंकि अब वो सतलुज रिवर के उधर अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से उनका जो ये ड्रीम था वो अधूरा रह गया। ठीक है, तो ये कुछ हमने महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ा, और उसके बीच में हमने कहीं ना कहीं एंग्लो सिख वार के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अभी क्या, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया है जब कोलकाता में अभी कुछ वायलेंट क्लैशेस हुए थे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ लेना गाइस, इंपॉर्टेंट भी है, नहीं तो कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मेनली जर्नल्स के नाम, ठीक है, या फिर कोई एक्ट आया जो उस वक्त, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, ईश्वर चंद्र को विद्यासागर इसलिए बोलते थे क्योंकि वो ओशन ऑफ नॉलेज थे, इनकी आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छे एजुकेशनलिस्ट थे, संस्कृत के स्कॉलर थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, जिन्होंने हिंदू के अंदर जो भी इतने सोशल ट्रेडिशंस थे उनको काफ़ी क्या किया, अपोज़ किया। इनको फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा इनवाइट किया गया ताकि आपकी यूरोपियन रिक्रूट्स को आप बंगाली पढ़ा सको। उसके बाद वो संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड भी बने। 1846 में इन्होंने संस्कृत कॉलेज को ज्वाइन किया। ये कंक्लूजन पे आए कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर को मर्ज करना चाहिए, जिससे क्या, जो हमारे सुपरस्टिशियस कल्चर है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब ऐसा सोशल रिफॉर्मर देख लेते हैं क्या थे। इन्होंने बंगाली सोसाइटी को मॉडर्न बनाया। ठीक है, इन्होंने संस्कृति सोने के बाद भी इन्होंने क्या किया, जो कस्टम और ट्रेडिशन है उन्हें एक लैंग्वेज थी लॉजिक और रेशनैलिटी की। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी एज़ कम्पेयर टू कलेक्टिव आइडेंटिटीज। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर सोशल मूवमेंट जिसे बंगाल रेनेसांस बोलते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या किया। सबसे पहले इन्होंने विडो रीमैरिज के अगेंस्ट में कैंपेन स्टार्ट करी। 1854 में इन्होंने कैंपेन स्टार्ट करी विडो रीमैरिज को लेके, और उन्होंने इसमें क्या तत्वबोधी पत्रिका लिखी। ठीक है, इन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ को, और उन्होंने प्रूफ किया कि जो विडो रीमैरिज है वो वैदिक स्कल्पचर के अकॉर्डिंग सेंक्शन है, मतलब कि अलाउड है। इन्होंने उसके अंदर एक स्टैंडर्ड डिस्कवर किया जिसमें पराशरा संहिता, जिसमें लिखा था कि हाँ विडो रीमैरिज को इन्होंने फेवर किया हुआ था। जो ब्राह्मण्स थे वो क्या करते थे, हमेशा वेद्स के हिसाब से चलते थे, उनके अकॉर्डिंग जो वेद्स में लिखा है वही सच्चाई है, नहीं तो नहीं है। तो वो इसलिए क्या करते थे, विडो रीमैरिज के अगेंस्ट में थे। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने वेदा में ही जाके वो एक स्टैंजा को ढूंढा, और उससे उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो बोर्डों के वेद में नहीं लिखा गलत है, वेद में ये लिखा है, आप देखो जिसमें फेवर किया है कि विडो रीमैरिज की। 1855 में इन्होंने पेटिशन भी फाइल कर दी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसमें इन्होंने कहा कि एक रूल होना चाहिए विडो रीमैरिज को लेकर, जिस वजह से विडो रीमैरिज एक्ट 1856 भी पास होगी। इन्होंने इवन कि अपने बेटे की शादी, जो कि नारायण चंद्र है, उसकी शादी भी एक विडो से कराई 1870 में, एक एग्जांपल सेट करने के लिए। आगे देखते हैं, बैकवर्ड कास्ट को इन्होंने एडमिशन दिया
जब इन्होंने संस्कृत कॉलेज ज्वाइन किया 1846 में, इन्होंने क्या किया, काफ़ी जो स्टूडेंट्स जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे उन्हें क्या किया, एडमिशन दिया, उन्हें संस्कृत पढ़ाई। और इन्होंने ये बताया कि जो भागवत पुराण है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जो शास्त्र है वो शूद्रास नहीं पढ़ सकते या लोअर कास्ट के लोग नहीं पढ़ सकते या संस्कृत लोअर कास्ट के लिए नहीं पढ़ सकते, संस्कृत सिर्फ अपर कास्ट की लैंग्वेज है। ऐसा उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया, ठीक है, ऐसे लोअर कास्ट के बच्चों को एडमिशन दे के उन्हें पढ़ा के। इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया अगेंस्ट पॉलीगैमी। पॉलीगैमी आपको पता ही होगा, जब एक आदमी ज़्यादा औरतों से शादी करता है तो उसे पॉलीगैमी करता है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो ब्राह्मण के अंदर काफ़ी क्या थी, कॉमन थी, तो इन्होंने इसके अगेंस्ट भी स्टार्ट किया। लेकिन इस मूवमेंट के अलावा कोई लेजिस्लेशन नहीं आया, ना कोई सोशल इम्पैक्ट इसका कंसीडरेबल देखने को नहीं मिला। चाइल्ड मैरिज को इन्होंने काफ़ी चैलेंज किया कि चाइल्ड मैरिज एक तरह की बहुत बारबेरिक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इन्होंने इस वजह से डिमांड किया कि जो मैरिजेबल एज है गर्ल्स की वो बढ़ानी चाहिए। तो ब्रिटिश ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पास किया, जिस वजह से क्या हुआ, जो चाइल्ड मैरिज का लीगली क्या हो गया, एबोलिश हो गया, ठीक है गाइस। अभी हमने आप देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म किए, कैसे इन्होंने सोशल रिफॉर्म किए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, रीमॉडल किया जो भी हमारा मिडिवल जो एजुकेशन का सिस्टम था, जो संस्कृत कॉलेज में सब प्रिवेल था, उन्हें रीमॉडल किया और उन्होंने कुछ मॉडर्न इंसाइट्स उसमें इंट्रोड्यूस की। जैसे इन्होंने क्या किया, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज को इंक्लूड किया साथ में मीडियम ऑफ लर्निंग बिसाइड संस्कृत। पहले संस्कृत होता था मीडियम ऑफ लर्निंग, लेकिन उन्होंने साथ में इंग्लिश और बंगाली भी इंक्लूड किया। इन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन हिस्ट्री के कोर्सेज थे, फिलोसफी और साइंस, इनको भी वैदिक के साथ साथ, वैदिक स्क्रिप्चर्स के साथ साथ ये भी पढ़ाने स्टार्ट किए। मॉडर्न कंसेप्ट जैसे क्लास का रूटीन, वीकली ऑफ डे, इनको भी एक स्कूल के रिफॉर्म्स लेके आए। कंसेप्ट लाइक एडमिशन फीस का, ट्यूशन फी का पहली बार, यही सब ये इन्होंने रिफॉर्म किया था। किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। वुमेंस एजुकेशन में देखते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल खोले गर्ल्स के लिए, जिसमें इन्होंने क्या किया कि कैसे हम वुमेन को सेल्फ रिलायंट बना सकें। इन्होंने नारी शिक्षा भंडार एक फंड खोला, जिसमें क्या कर सकते हैं आप वुमेन की एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इन्होंने 35 स्कूल्स खोले वुमेन के लिए थ्रू आउट द बंगाल, पूरे बंगाल में, जिसके अंदर 1300 गर्ल्स ही एनरोल होने में सक्सेसफुल रहीं। इन्होंने जॉन बैथुने के सपोर्ट से मिलके पहला परमानेंट गर्ल्स स्कूल, चाइल्ड गर्ल्स स्कूल खोला इंडिया में, जिसे बैथुने स्कूल बोलते हैं 1849। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला सिर्फ गर्ल्स के लिए स्कूल किसने खोला, ये आपको पता होना चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कौन सा खोला, बैथुने स्कूल खोला, किसकी सपोर्ट में खोला, जॉन बैथुने के, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो लास्ट के दो डिकेड 20 साल वो संथल ट्राइब, जो झारखंड के संथल ट्राइब, उनके साथ बिताए, जहाँ पे इन्होंने पहला स्कूल खेला, जो ट्राइबल गर्ल्स हैं उनके लिए भी एक स्कूल खोला। अब लिटरेचर में क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने बोर्नो पोरिछो एक वो लिखा, इसमें क्या है जो इंट्रोडक्शन टेक्स्ट है कि आप कैसे बंगाली अल्फ़ाबेट सीख सकते हैं, तो ये खोला इन्होंने। उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट फ्रेंडली संस्कृत ग्रामर्स, उपाकारा मोनिका और व्याकरण कुनमुरी, ये बंगाली लैंग्वेज में लिखी। इन्होंने संस्कृत बुक्स को ट्रांसलेट किया बंगाली लैंग्वेज में, इंक्लूडिंग कालिदास की शकुंतला। इन्होंने दो वॉल्यूम्स लिखा कि किस तरह से वीडोज़ को मिसट्रीटमेंट किया जाता है, उनके साथ बेकार बिहेवियर किया जाता है, इसके बारे में उन्होंने भी दो बुक्स लिखी, जो कि एक तरह से मेजर सोशल रिफॉर्म था स्टेट में, ठीक है। अब हम देखते हैं जर्नलिज्म में इनका क्या, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जर्नलिज्म में क्या उनको, ये आपको पता होना चाहिए इन्होंने कौन कौन से जर्नल्स लिखे हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रिट, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट पीसेस और यूपीएससी में क्या मैच था, मैच करने को आ जाते कि आप यहाँ पे ऑथर बता देंगे, इस तरफ जर्नल के नाम लिख देंगे, ठीक है, वो बोलेंगे मैच करो, तो आपको पता होना चाहिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन कौन से लिखे हैं। सोम प्रकाश बहुत कॉमन है, हिंदू पैट्रिट भी बहुत कॉमन है, तो आपको पता होना चाहिए, तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है, ये तीन हैं जो किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखे। इन्होंने एक नॉर्मल स्कूल फॉर ट्रेनिंग भी सेटअप किया, जहाँ पे क्या करते थे, ये बताते थे कि टीचिंग के किस तरह से मेथड्स होने चाहिए, और इन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन 1872 में फाउंडेड किया। इन्होंने संस्कृत प्रेस भी एस्टैब्लिश करी, ताकि स्कूल जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो पब्लिश हो सके अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है, जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं उसको आप पब्लिश कर सको एक अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, अशफाकउल्लाह खान, रिसेंटली जो यूपी कैबिनेट है उसने अप्रूव किया कि हाँ वो 234 करोड़ पे प्रपोज कर रही है एक गोरखपुर में जूलॉजिकल गार्डन बनेगा, किन के नाम पे, अशफाकउल्लाह खान के नाम पे बनेगा, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और रिवोल्यूशनरी थे, शहीद अशफाकउल्लाह खान। अशफाकउल्लाह खान कौन थे, जो अशफाकउल्लाह खान के साथ जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, इन्हें ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस के में क्या कर दिया, इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। ये 22 अक्टूबर 1900 में बोर्न हुए थे शाहजहाँपुर यूपी में।
ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे, ये काफ़ी नॉन वायलेंट स्ट्रेटजीज में फेल्ट रखते थे और चाहते थे किस तरह से जो कॉलोनियलिज्म है उसको क्या करें, बहुत और रेडिकल मेथड से इसे ख़त्म किया जाए। अशफाकुल्ला ने काफ़ी पोएम्स कंपोज करी उर्दू में और कुछ हिंदी में भी करी, नेम्स हैं जैसे वारासी, हजारत। मिड 1920s में अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन खोला। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझो इन चीज़ों को कैसी ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन खोली, जिसे बाद में नाम क्या दे दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, जो HSRA है इसने एक मैनिफेस्टो पब्लिश किया था द रिवोल्यूशनरी 1925 में, जिसमें था कि द इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी पार्टी इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स की एस्टेब्लिश आ फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बाय एन ऑर्गेनाइज एंड आर्म रिवोल्यूशन। वही कि हमें क्या चाहिए, एक इंडिया की अपनी यूनाइटेड स्टेट चाहिए, ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनाइज या आर्म रिवोल्यूशन से ले लेंगे। अब ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या था ये आपको पता ही होगा, ठीक है, आप इतनी मूवीज़ देखते होंगे यार, ठीक है, तो उसमें आपको पता ही होगा। अगस्त 1925 में एक आर्म रॉबरी हुई थी जो ककोरी एक्सप्रेस में हुई थी। ककोरी एक्सप्रेस एक ट्रेन थी, उसमें क्या है काफ़ी मनी जा रही थी, पैसा जा रहा था, तो उन्होंने सोचा चल यार इसमें से चोरी करके हम क्या करेंगे, जो HSRA जो हमने अभी अपनी कंपनी खोली है उसको क्या करेंगे, फ़ंड करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ था, गलती से एक बंदा मर गया था, जिस वजह से इनके ऊपर क्या चल गया था, ये केस चल गया था, ठीक है। तो रॉबरी जब करी थी इन्होंने वो किस लिए करा था, टू फंड द एक्टिविटीज़ ऑफ HSRA, जिसमें बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और 10 अदर रिवोल्यूशनरीज को उन्होंने ट्रेन को रोका और क्या करा, वहाँ से कैश उड़ा लिया गया। इनके अगेंस्ट 1.5 साल तक ट्रायल चला, 1927 में एंड हुआ। बिस्मिल खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया और अदर्स को क्या लाइफ सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है गाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस में किसे सजा मिली हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। अभी क्या है, जो विनायक दामोदर सावरकर हैं उनकी 136th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। जो वी डी सावरकर जी थे ये बहुत रिनॉर्ड फिलोसफर थे, ठीक है। जरा इनके बारे में देख लेते हैं, कौन थे भाई, एक एक्टिविस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, लॉयर भी थे, राइटर भी थे और एक हिंदुत्व की फिलॉसफी को ही काफ़ी फॉर्मुलेट करते थे। इनके मेजर वर्क्स क्या थे, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 में हुआ था बट इसको बैन कर दिया था ब्रिटिश ने, हिंदुत्व जो कि इन्होंने रत्नागिरी जेल में लिखी थी, हिंदू पद पातशाही जो कि और जोसेफ माजिनी। अब देखते हैं क्योंकि इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनको फ्रीडम फाइटर भी बोला जाता है, इन्हें फिलोसोफर भी बोला जाता है, राइटर भी बोला जाता है, लॉयर भी बोला जाता है, पॉलिटिशियन भी बोला जाता है, तो इनके एस्पेक्ट्स में देख लेते हैं काम। एज अ फ्रीडम फाइटर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था मित्र मेला, बाद में इसे अभिनव भारत भी बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए मित्र मेला अभिनव भारत एक ही है और इसे किसने सेटअप किया था, वी डी सावरकर ने। तो ये यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइज, जिसने इन्फ्लुएंस किया था मेंबर्स को कि हमें लड़ना है अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए, फॉर एब्सोल्यूट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए। ये इंडिया हाउस जो कि इंग्लैंड में तो उससे एसोसिएटेड थी थे, जहाँ पे ये अरेस्ट हुए 1910 में और उनको फिर काला पानी में जेल में भेज दिया गया जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में थी, फिर वहाँ से वो 1921 में क्या हुए रिलीज हुए थे। इन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा भी फाउंड आउट करी ताकि वो इंडिया का जो एंशियंट कल्चर है उसे प्रिजर्व कर सके, ठीक है। इन्होंने स्वराज पार्टी जो कि तिलक के द्वारा बनाई गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई गई थी, उसे भी ज्वाइन किया था। ये क्रिटिक थे इंडियन नेशनल कांग्रेस थे और ये क्योंकि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था, इस वजह से वो इसके क्रिटिक थे। अब हिंदुत्व आइडियोलॉजी क्या थी, इन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन करी थी एज अ रिस्पॉन्स, जैसे मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स ने ज्वाइन करी थी उसी तरह हिंदू महासभा इन्होंने ज्वाइन की थी। और ये क्या कर रहे थे, इनका यही था कि एक हिंदुत्व को एक कलेक्टिव हिंदू की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए कि ये एसेंस है भारत का। इन्होंने एडवोकेट किया था रिलीजियस मिथ्स, ब्लाइंड फेड्स को अगेंस्ट द टेस्ट ऑफ अ मॉडर्न साइंस, देयरफॉर वाज अ रैशनलिस्ट एंड रिफॉर्मर। ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे थे 1937 में। इन्होंने अपोज किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को या ठीक है जो हिंदू राष्ट्र को लेकर आइडिया को भी इन्होंने सपोर्ट किया था। पर एज अ सोशल रिफॉर्म देखा जाए तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, ठीक है, जो एज अ बर्थ ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ आपको कास्ट दिए दी जाते हैं उसके अगेंस्ट थे। 1930 में इन्होंने फर्स्ट पैन इंडिया गणेशोत्सव स्टार्ट किया, जिसमें क्या क्या है एक कीर्तन स्टार्ट किए थे, जिसमें मतलब कि आप अनटचेबल्स को इन्होंने कहा कि हाँ आप भी स्टार्ट करो। इन्होंने सेवरल टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट किए महाराष्ट्र में, जिसमें अनटचेबल्स को अलाउड किया जाता था कि हाँ आप टेम्पल्स में आओ और आप वहाँ पर प्रे कर सकते हो, ठीक है, स्पेशली जैसे पतित पावन टेम्पल था रत्नागिरी में। वहाँ पर हिंदू महासभा के बारे में देख लेते हैं, हिंदू महासभा 1907 में फॉर्म हुई,
फॉर सेफ गार्डिंग द इशूज़ ऑफ हिंदू, जो एमिनेंट हिंदू लीडर्स थे उन्होंने, जैसे और भी थे, मदन मोहन मालवीय, MC Kale का, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, तो यही हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर SP मुखर्जी, डॉक्टर NP भारे और जो हिंदू महासभा के जो मेंबर थे। हाउएवर ये कोई ब्रिटिश रूल के सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन महासभा कभी भी फुल सपोर्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट को फुल सपोर्ट नहीं देते थे, और ना ही सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को इन्होंने अपनी सपोर्ट दी, ना ही क्विट इंडिया मूवमेंट को इन्होंने कुछ सपोर्ट की। हाँ, January 30 को जैसे पूर्ण स्वराज के रूप में मनाते हैं, ये शौर्य दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद इकबाल, अभी क्या जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे जो UP में, उन्हें क्या किया, रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स ने एक पोएम रिसाइट करी जो कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी हुई है। जो मोहम्मद इकबाल हैं, देखो क्यों किया, क्योंकि मोहम्मद इकबाल को एक कंसीडर किया जाता है कि उनका विज़न था पाकिस्तान को क्रिएट करने में, और टू नेशन थ्योरी का उनका विज़न था, और उनको स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, और जबकि जिन्ना जी क्या थे उनको बोला जाता है कि उन्होंने वो थे जिन्होंने इस विज़न को शेप दिया। मतलब स्पिरिचुअल फादर तो कौन थे पाकिस्तान के, मोहम्मद इकबाल थे, और जिन्ना कौन थे, ही इज़ द वन हु शेप दिस विज़न। ठीक है, बाकी मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मोहम्मद इकबाल थे, अल्लामा इकबाल भी बोलते हैं, इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा, जिसको अल्टरनेटिव तराना हिंद भी लिखा था, इस पोएम को इन्होंने वीकली जर्नल इत्तेहाद में लिखा था 1904 में। ये 1877 में बोर्न हुआ था सीलकोट पंजाब, जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है। कश्मीरी पंडित की फैमिली की एंसेस्ट्री से ही बिलोंग करते थे। इकबाल पोइट फिलोसोफर थे, जिनका वर्क को फिलोसफी करता था, फिलोसफी ऑफ सेल्फहुड एंड डील विद द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड के कल्चरल को रिकंस्ट्रक्चर करने के लिए इनके क्या थे, फिलोसफी उस हिसाब से होती थी। ये मोस्टली उर्दू या पर्शियन लैंग्वेज में लिखना पसंद करते थे। इकबाल का जो पहला पब्लिश हुआ था पोएम्स, वो 1923 में हुआ था, इसे बंगे दारा बोलते हैं। कुछ और वर्क थे इनके, वो आप देख लेना, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1913 में इकबाल ने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग होती थी अलाहाबाद में, 24th सेशन में, वहाँ इन्होंने एड्रेस किया था, जहाँ इन्होंने एक्सप्रेस किया था कि थॉट्स ऑन इस्लाम की, किस तरह से हमें यूनिटी रखनी है इंडिया नेशन में, और ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डिफेंस। ठीक है, 1931-32 में इन्होंने सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था। ही लेटर बिलीव दैट द एनफोर्समेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ शरीयत ऑफ इस्लाम इज इम्पॉसिबल इन द कंट्री विदाउट अ फ्री मुस्लिम स्टेट। तो क्योंकि इन्हें लगता था कि बिना अकेले मुस्लिम स्टेट के, बिना इस्लाम को डेवलप करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए क्या करते थे, ये टू नेशन थ्योरी पे बिलीव करते थे और पाकिस्तान के क्रिएशन को काफ़ी सपोर्ट करते थे। समझ में आ गया कि इनको क्यों हटाया प्राइमरी स्कूल ऑफ UP से। ठीक है, दारा शिकोह क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने अभी 7-member पैनल एक ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला है कि जो मुगल के प्रिंस थे दारा शिकोह, उनके ग्रेव को ढूंढो, उनके ग्रेव को लोकोट करो, क्योंकि ये माना जाता है जो दिल्ली में हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स है, उसी के वहीं पे ही कहीं पे जो दारा शिकोह को क्या है बरी किया गया था, तो आप उनके ग्रेव को ढूंढो। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किसे बोला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7-member पैनल को बोला। दारा शिकोह कौन थे जरा देख लेते हैं, जो शाहजहाँ थे उनके सबसे बड़े बेटे कौन थे, दारा शिकोह, जो कि 1642 में क्या थे, जब शाहजहाँ मर गए थे तो उनके उसके बाद जो उनकी गद्दी को संभाला था वो दारा शिकोह ने संभाला था। लेकिन उनको क्या है, उनके ही भाई औरंगजेब के खिलाफ जब उनका वार हुआ था तो उसे मार दिया गया था। बैटल ऑफ समूहगढ़ किसके बीच से बीच में हुए थे, शाहजहाँ के 3 बेटे थे, औरंगजेब, मुराद बख्श, दारा शिकोह, इन तीनों के बीच में गद्दी को लेकर लड़ाई हुई थी, जबकि औरंगजेब और मुराद बख्श एक साइड में हो गए थे, दारा शिकोह एक अकेली साइड में रह गए थे, तो इनके बीच में ऐसे वॉर हुआ जिसमें क्या दारा शिकोह की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यही वजह था। ये लिबरल थे, मतलब कि बहुत इनकी जो नेचर थी वो लिबरल था। ठीक है, और ये फाइंड आउट करते थे कि क्या कॉमन है ट्रेडिशन हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन में। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था आर्ट एंड कल्चर में, इन्होंने जो भागवत गीता और उपनिषद है इसे ट्रांसलेट किया था संस्कृत से पर्शियन में 1657 में, सो दैट कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भी इसे पढ़ सकें। इनको ट्रांसलेशन को क्या बोलते हैं, सीरे अकबर बोलते हैं या ग्रेटेस्ट मिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि जो भी कुरान में वर्क है वो उपनिषद ही है, मतलब जो भी कुरान में वर्क है इज़ नन अदर देन उपनिषद, जो उपनिषद में वही कुरान में लिखा हुआ है, ऐसा ये बोलते हैं। मजमा उल बहरीन एक ट्रिटीज़ है जो भी पर्शिया में लिखी हुई हैं, इसमें ये एक मिस्टिकल और पुरालिस्टिक एफिनिटी है बिटवीन सूफिक एंड वेदांतिक स्पेकुलेशन में। दारा शिकोह एल्बम में क्या है, जो भी पेंटिंग्स की कलेक्शन है वो जो कि इन्होंने अपनी वाइफ नदीरा बाना बेगम को प्रेजेंट की थी, उसकी सारी कलेक्शन है इस एल्बम में। इन्होंने क्या किया था,
मुगल आर्किटेक्चर में काफ़ी अपना वो किया था, योगदान दिए थे। जैसे इन्होंने टॉम्ब ऑफ अपनी वाइफ का टॉम्ब बनवाया था लाहौर में, नदीरा बेगम का। श्राइन ऑफ मियाँ मीर लाहौर में है, दारा शिकोह लाइब्रेरी ये दिल्ली में है, अखून मुला शाह मॉस्क श्रीनगर में है, एंड परी महल गार्डन प्लेस श्रीनगर में। मतलब इन्होंने इनका आर्किटेक्चर बताया गया है, तो इन्होंने जो जो बनाया था। कुछ हिस्टोरियंस ये आर्ग्यू करते हैं कि जो दारा शिकोह थे वो बिल्कुल औरंगजेब के एंटी थे। मतलब कि औरंगजेब को आपको पता कितना क्रूल माना जाता था, तो उसके एंटी थे बिल्कुल, ये वाम हार्टेड थे, जनरल्स थे, लेकिन सेम टाइम ये बोलता जाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिफरेंट थे और अच्छे नहीं थे, मैं इनफेक्टिव, ये बैटल फील्ड ऑफ बैटल में भी इनफेक्टिव थे। इटालियन ट्रैवलर थे जो निकोलो मानक्यूने ने, इन्होंने दारा शिकोह की डेथ के बारे में काफ़ी डिटेल लिखी हुई है इन हिज बुक ट्रैवल्स और मनुसी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल अपना यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो परसों तक मैं आर्ट एंड कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल।